हाय फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ क्ले पॉट का वैरायटी लिया है जो अभी सबसे अर्दी है हमारे स्टॉक में। वो है ये सॉसर्स, ये है स्मोकी सॉसर्स, लेकिन ये सभी हाफ बेक्ड है, मतलब ये कोई भी कच्चा मिट्टी का नहीं है। लेकिन इसको इतनी अच्छे से सॉफ्ट तरीके से इसको हाफ बेक्ड किया गया है कि ये पानी में ज़्यादा देर रहेगा तो ये मेल्ट होने लगता है। लेकिन ये भी हाफ बेक्ड है, देखिए थिक क्ले पॉट का पीसेस है, ये एक बड़ा वाला टुकड़ा है, ये देख लीजिए, इसमें कोई ग्रिटीनेस नहीं है और ये भी हाफ बेक्ड है, लेकिन ये पानी में रहने से भी मेल्ट नहीं होगा। और ये है हमारा पेबल पॉट जो मैंने आप लोगों को दिखाया है, वही ये बहुत ही थिन है, सो ये क्रंची है, आप नज़दीक से देख लीजिए। और ये है मिनी गुलक, ये हमने जो सेल किया था कुछ दिन पहले, तो इसका टू पीसेस, एक स्मोकी में एक हाफ बेक्ड में, सभी पार्सल के साथ हमने दो पीसेस दिए थे, बिकॉज़ सभी को टेस्ट करना था तो हमने सोचा कि सभी को एक दो पीस दे दे, तो उससे क्या होता है आपको दोनों का इस टेस्ट पता चल जाएगा। लेकिन ये दोनों ही हाफ बेक्ड है, मतलब इसको पानी में रखेंगे लेकिन ये मेल्ट नहीं होगा, लेकिन ये हाफ बेक्ड है, ये थोड़ा स्मोकी में है और ये नॉन स्मोकी में है थोड़ा। और ये देखिए ये सॉसर है, स्मॉल मिनी सॉसर है, ये भी मिनी सॉसर है, लेकिन देखिए ये हाफ बेक्ड है, ये स्मोकी है, लेकिन इनको एक साथ में हम लोग बेक्ड करते हैं, लेकिन इसका पोजीशन ऐसे रखते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा धुआँ लगे तो ये स्मोकी हो जाता है। और ये है विदाउट डिज़ाइन वाले मिनी पॉट जिनको सॉफ्ट स्मोकी में चाहिए, लेकिन ये हम दिखा रहे हैं लेकिन इसका स्टॉक अभी ज़्यादा नहीं है, जो स्टॉक था वो ज़्यादा से ज़्यादा निकल चुका है। स्मोकी का बहुत ज़्यादा डिमांड होता है, हाफ बेक्ड से भी ज़्यादा। तो हमारा जो स्मोकी सॉसर है या पॉट है वो कितना जल्दी मेल्ट होता है या नहीं होता है वो दिखाने के लिए ये वीडियो है। मैं इसमें स्मोकी वाले चीज़ पानी में डाल रही हूँ, देखिए ये सभी स्मोकी में है और ये नॉन स्मोकी में है सभी चीज़। पेबल स्पॉट देखिए जो है वो हाफ बेक्ड में है, देखिए ये इसका बनावट बहुत सुंदर है, मतलब बहुत ही फाइन है इसका फिनिशिंग। जो लोग इन्हें बनाते हैं ये पेबल पॉट, उनका काम बहुत ही अच्छा है, मतलब वो एकदम बहुत, क्या बोले उसको बांग्ला है, जिसको निखूत बोलते हैं, मतलब एकदम अच्छे फिनिशिंग होता है उनका बहुत। और ये है बिग साइज सॉसर्स, बिग साइज मतलब मिनी से थोड़ा बड़ा है ये। ये हमारा ये सॉसर नॉन स्मोकी है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा अर्दी है, इसके साइड से थोड़ा स्मोकी है क्योंकि एक ही भट्टी में डालते हैं तो साइड से थोड़ा स्मोकी बन जाता है कभी कभी, लेकिन ये सभी हमारा हाफ बेक्ड होता है। और हम मुल्तानी का सॉसर्स भी आपको दिखाते हैं, ये मुल्तानी रोस्टेड है और ये मुल्तानी का सॉसर है, देखिए मुल्तानी का सॉसर का कलर और ग्रेव हार्बर क्ले सॉसर का कलर, दोनों का कलर आप एकदम नज़दीक से देखिए, दोनों का कलर थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन इसका साइज थिकनेस सभी सेम है। मुल्तानी का जो सॉसर होता है वो थोड़ा लाइट वेट होता है और ये थोड़ा हेवी होता है। और ये रोस्टेड मुल्तानी है, इसका स्टॉक हमारे पास अभी अवेलेबल है।
और ये हम नए ये स्टॉक ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन हम इसको हर हफ्ते बनवाते हैं, तो क्या होता है उसमें जो फ्रेश जो है वो स्मेल उसका अच्छा रहता है। ज़्यादा एक साथ बनाते नहीं हैं हम, ये 5-10 केजी या 5 केजी 8 केजी ऐसे कुछ एक साथ में बनाते हैं, तो हफ्ते में इसको हफ्ते 10 दिन में फिर से बनाते हैं। ये देखिए यह है मुल्तानी का, मुल्तानी रोस्टेड और मुल्तानी का सॉसर दोनों का कलर देख लीजिए एक जैसा है। अच्छा, और ये है भावर क्ले का सब। यहाँ पे हमने गुलक को थोड़ी देर तक रखा था, देखिए स्मोकी वाला गुलक है, ये बहुत ज़्यादा अर्दी है और इसका स्टॉक हमने जितना मंगवाया था ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा अर्दी है ये। मैं एकदम कैमरा के नज़दीक से आपको दिखाती हूँ, स्मोकी वाला बहुत ज़्यादा अर्दी है, ये बहुत ज़्यादा ख़त्म हो रहा है जल्दी। और ये है स्मोकी सॉसर, ये हमारे अभी का स्टॉक है, नेक्स्ट जो सॉसर आ रहा है स्मोकी जिनको चाहिए वो अभी ले सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो स्टॉक हमारा आ रहा है हमने बनवाने के लिए ऑलरेडी दे दिया है, वो ज़्यादा स्मोकी नहीं होगा। तो स्मोकी का सॉसर अभी जितने अवेलेबल है उसी में से आप ले सकते हैं, नेक्स्ट स्टॉक ज़्यादा स्मोकी नहीं है तो अभी इसका स्टॉक अवेलेबल है। और ये है विदाउट डिज़ाइन वाले, नॉन डिज़ाइन वाले जो मिनी पॉट, ये भी बहुत ज़्यादा अर्दी है, देखिए पानी में रखने से इतने अच्छे से देख रहे हैं आप लोग। मैं आज बहुत नज़दीक से दिखा रही हूँ और ये मेरा दूसरा कैमरा है, तो इसका कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छा है, तो आप लोगों को अच्छे से पता चलेगा। पेबल पॉट स्मोकी नहीं है, वो हाफ बेक्ड में है, मतलब इसमें कोई स्मोकीनेस आपको नहीं मिलेगा, आप देख लीजिए। लेकिन ये जो सॉसर्स है इसका स्मोकी स्टॉक अभी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन नेक्स्ट स्टॉक जो आ रहा है उसमें स्मोकी नहीं मिलेगा, देख लीजिए नज़दीक से मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बहुत ज़्यादा अर्दी है, देखिए कितने आसानी से ये मेरे हाथ में पानी में था ना, इसलिए इतनी जल्दी ये टूट गया, देखिए अंदर कोई भी किटीनेस नहीं है, एकदम सॉफ्ट है, अर्दी है, और ये हाफ बेक्ड में है, मतलब इसमें कोई स्मोकीनेस नहीं है, लेकिन ये भी सॉफ्ट है। क्ले पॉट हमारा सभी सॉफ्ट है, इसको जब हम पानी में डाल रहे हैं ना बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है, और ये थिक वाले जो क्ले पॉट है ये ज़्यादा देर पानी में रहेगा तब भी ये बिगलेगा नहीं, लेकिन ये भी बहुत सॉफ्ट है, क्रंच साउंड से आपको पता चल रहा होगा इसमें कोई ग्रिटनेस है नहीं और ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं है।
मैं इनको पानी में डाल के इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इससे इनका ओरिजिनल जो कलर है वो पता चलता है, और ये एकदम भी गीटी नहीं है। मैं आज बहुत जितना हो सके नज़दीक से वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। एकदम भी ग्रिटीनेस नहीं है और बहुत दर्दी है। ये देखिए, ये रोस्टेड मुल्तानी का जो है एकदम चिप्स की तरह है, और ये रोस्टेड मुल्तानी से भी सॉफ्ट है ये हमारा क्लेपर। मैं सिर्फ इन दोनों को पानी में इसलिए डाल रही हूँ कि आपको इसका डिफरेंस और कलर दोनों पता चले, और कुछ नहीं। ये मस्टर्ड मुल्तानी है, मस्टर्ड मुल्तानी बहुत ज़्यादा क्रंची होता है और दांत में तो एकदम भी चिपकता नहीं है। और जो जो सेल का फ्लैश सेल का जो पार्सल है वो ट्यूसडे तक सभी निकल जाएगा। आज बहुत सारे को ट्रैकिंग स्लिप मिल गया है, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस बार 2-3 दिन लेट हो रहा है क्योंकि बहुत सारा पार्सल था, तो जल्दी इतना जल्दी हो सके हम उसको डिस्पैच कर देंगे। सो बाय फ्रेंड्स।